लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और इस वक्त अभय चौटाला जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और INLD से हैं इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आज दिन भर लगातार सुर्खियों में रही INLD की खबरें, आज क्या पिछले कई दिनों से। इस वक्त अभय चौटाला जी खुद हैं फोन लाइन पर। पहले तो अभय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। मेहरबानी आप जी। ये मैं कोई ऐसा नहीं जो मैंने आपको कहा कि एक ओम प्रकाश चौटाला जी का एक उनकी एक अपनी छवि है, उनकी उनके प्रति लोगों का आदर सम्मान भाव है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर क्या ये जो INLD के अंदर विवाद है ये सुलझ सकता है क्या? पहले तो मैं इसी पे आपका जवाब, आप ताकि हरियाणा के सभी लोग सुन सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। INLD में कोई विवाद नहीं है जी, बनाया जा रहा है। रोज इस तरह की बातें कही जा रही है जी, जिन बातों का ना तो कोई महत्व है ना कोई मतलब है जी। लेकिन जी सुनो एक मिनट, आप जी आप मुझे एक चीज बताएंगे जी, मेरी तरफ से कहीं कोई छोटी मोटी ऐसी बात आपने अखबार में टीवी में कोई स्टेटमेंट मेरी यहाँ रखी है जिसकी वजह से लगे कि INLD में कहीं कोई विवाद है जी? मैंने एक बात थी फिर किसी प्रेस के साथी ने पूछा, उसको कहा कि मेरी जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम जी मैं अपनी उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ जी। रही बात संगठन की जी, तो संगठन का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देखते हैं, प्रदेश में संगठन के काम को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिम्मेवारी अशोक अरोड़ा जी की लगा रखी है जी। जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई पिछले दिनों में फैसले लिए उसके लिए जो उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल उन्होंने सारी चीजों को देख करके जी जो कहीं उनको 100% पीड़ादायक लगा जी, कोई दादा जो है अपने पोतों के खिलाफ इतना बड़ा जी एक्शन ले तो उससे पहले कई बार सोचते हैं कि मैं जी ये फैसला कैसे लू, लेकिन उनके लिए जो उन्होंने फैसले में कहा है कि मेरे को अनुशासनहीनता जो है मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ा करके और चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। चौधरी देवीलाल ने हमेशा स्वच्छ राजनीति करी है और मैंने भी उन्हीं के पदों पे चल करके इस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज अगर कोई मेरा अपना जी अनुशासनहीनता करेगा तो उन्होंने उसके लिए उनको कहा कि आप बताओ मुझे, तो जा करके बताते, कोई तो झगड़ा था तो उनके साथ है, मेरे साथ ही झगड़ा विवाद जी, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ जी। वो क्या कर रहे हैं बात से कोई सरोकार नहीं है। मुझे आज भी आपके प्रेस के साथियों ने पूछा जी कि क्या आप अजय सिंह चौटाला जी से मिलने गए जी, मेरा अगला सवाल यही था जी। मैं मेरे को अगर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से कोई भी एक छोटा मोटा मैसेज आएगा मैं उसी वक्त, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए वो आदरणीय है जी, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा मुझे उस बात से ये ठीक है कि पीड़ा जरूर हुई है लेकिन ये नहीं है कि मैं उस बात से उनसे कोई नाराज होकर के उनसे मिलना भी बंद कर दूं जी। अगर है तो मैं जाकर पूछ लूंगा कि आप मुझे कि आप मेरे बारे में ये सारी चीजें क्यों थी जी, लेकिन मुझे जब भी वो बुलाएंगे याद करेंगे मैं 100% जाऊंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई मुझे जान लेगा, मैं कौन जाऊंगा। अभय जी मैं आपको जितना जानता हूँ और आपको पता है कि मैं रिसर्च तो बहुत करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं जितना आपको जानता हूँ एक चीज तो मैं आपके बारे में बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। बहुत लोगों की नाराजगी आपसे इसलिए भी होती है कि आप खरी खरी बात सुना देते हैं, कह देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या
INLD परिवार में जो इस वक्त संकट है, आप फिर कहेंगे कि शशि रंजन तो मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। सर, मैं आपके परिवार के पीछे नहीं पड़ा हूं, लेकिन आपका परिवार एक ऐसा परिवार है जिससे हरियाणा के लोगों का भविष्य राजनीतिक तौर पे जुड़ा हुआ है। वैसे में सर, वो परिवार सिर्फ आपके घर के अंदर चार दीवारी का नहीं हो जाता है, वो पूरे हरियाणा का परिवार हो जाता है। क्या ये कभी संभव है 17 तारीख के पहले कि आप लोग दोनों भाइयों में मिल बैठ कर करके कोई बातचीत हो जाए, कोई आप ही पहल कर ले? मैंने आपको बता तो दिया जी। अगर मेरे से कोई संकट का समाधान होगा तो मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर अजय सिंह ये कह दें, अजय जी ये कह दें, जो आपके बड़े भाई भी हैं, अपने का आदरणीय भी हैं, अगर वो ये कह दें, ये तो सर सब लोग जानते हैं कि ये तो एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वो मतलब पार्टी किसके पास, ये इसका एक झगड़ा है, कितना सही कितना गलत, लेकिन जो हम बाहर से देखते हैं तो हमें यही लगता है। हमारी फैमिली आप अगर फैमिली के इतने बड़े वेल विशर हैं जी, तो मैंने आपको अपनी तरफ से ऑथोराइज कर दिया जी कि आप इस सारे मामले को रिजोल्व करवा दो। मतलब कैसे रिजोल्व कराऊं? आप जाओ, मेरी तरफ से आप ऑथोराइज दें जी, जो आप जा करके बात करोगे मैं उस बात पे मोहर लगा दूंगा। मतलब अगर मैं आपकी तरफ से, मैं कोशिश करूंगा और ये मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं अजय जी को भी फोन लगा के उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, या अगर जरूरत पड़ा तो मैं जाकर के मिलूंगा। मैंने आपको इस बात के लिए मैंने आज तक किसी चैनल जी इस बारे में चर्चा नहीं करी जी, लेकिन आपने जब मेरे से ये सारी बात पूछी है तो मैंने आपको इस बात के लिए ऑथोराइज कर दिया जी कि आप जाओ, मेरी तरफ से आप ऑथोराइज हैं जी, जो फैसला आप लेकर के आओगे जी उस फैसले के ऊपर फूल चढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपकी तरफ से कहूंगा क्या उनको? मैंने आपको कहा कि आप राजनीतिक विश्लेषण करते हो सारा दिन जी, और आपको सारी राजनीतिक बातों का ज्ञान है जी, आप जाओ जाकर के बात करो, बात करके मुझे बताओ जो आप करोगे मैं मान लूंगा। अगर उधर से भी वो मिलने, क्योंकि मसला तो कोई तीसरा आदमी कभी कोई सुलझाता नहीं आज जी। आप इस बात की दोबारा चर्चा क्यों करते हो? आप जाओ जाके चर्चा करो, फिर आकर के मुझे बताओ जी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अभय जी अजय जी से बात करने को तैयार हैं और कोई बीच का रास्ता निकलता हो। आप एक मिनट, आप ये जी उनसे, वो मेरे बड़े भाई हैं भाई जी, मेरी उनकी टॉकिंग टर्म्स कब खत्म हुई है? किस जी मेरी उनकी टर्म्स नहीं है जी है? ये किसने सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है बारी बारी से जी, भी अब की बार तो दिवाली भी अलग अलग जगह पे मनाई। अजय भाई साहब का घर सरसा में, मेरा घर तेजाखेड़ा फार्म में है जी जी, और वो हमेशा तेजाखेड़ा फार्म पे आगे जाते हैं जी, आज भी वो तेजाखेड़ा होकर के जी। ये सब फजूल की चीजें चला चला के लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रखा है जी, कि पता नहीं इनका कितना बड़ा विवाद है, पता नहीं क्या इनके झगड़े हो रहे हैं। आपने हमें कहां सड़कों पे लड़ते हुए देखा है भाई जी, तो कम से कम आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टेलीविजन के ऊपर चलाने से पहले जी आप लोगों को क्या बताने जा रहे हो, क्या कहने जा रहे हो जी, उसके ऊपर आप हमसे पूछ सकते हो। फिर रही बात हमारे परिवार का जी, आप ये बताओ कि कौन सा तरीका है कि हर चैनल अपनी TRP बढ़ाने के लिए लगातार पिछले कितने दिन से INLD जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज की तारीख में लोगों की समस्याएं, आप उन पर चर्चा क्यों नहीं करते जी? आप उस पर करो ना चर्चा। मैं बहुत लोगों को बहुत, ताकि लोगों को ये लगे कि आपका चैनल जो है कोई अच्छे काम के लिए जी हरियाणा में काम कर रहा है। सर, बहुत विनम्रता पूर्वक आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो आप ये कह रहे हैं ना कि मीडिया में लगातार INLD है, अब आपको इस बात का उससे ये भी अंदाजा होगा कि पूरे प्रदेश की निगाह आपकी पार्टी, आपके परिवार, क्योंकि आपके आपका परिवार इस पार्टी का अभिन्न हिस्सा है, उस पर है। अब ये सोचिए कि अगर सारे मीडिया वाले लोग इतना दिखा रहे हैं तो कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है आप लोगों से। आप मैंने आपको एक बात कह दी शशि जी कि आप जी जाओ, मेरी तरफ से ऑथोराइज हो, और किसी और को भी साथ ले जाओ तो वो भी ऑथोराइज हो जाओ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।